एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो आज हम फाइनली पॉइंट ग्रुप से पहुंच गए हैं। आज वाली वीडियो और एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगी, एक या शायद दो, जिसमें हम सिर्फ पॉइंट ग्रुप्स निकालेंगे, उनके उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं मेरे पास वो वाले सारे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे पॉइंट ग्रुप किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये वाली बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होगी। अब ना देखो, पॉइंट ग्रुप का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, सी टू एक्सेस होती है, सी टू जेड, और क्या होता है, सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड। अभी लास्ट वीडियो में हमने सीखा है कि इस तरह से निकालते हैं हम ये। अब देखो, ये सारे तो क्या है, सिमेट्री एलिमेंट्स। इन सारे सिमेट्री एलिमेंट्स को अगर हम एक ग्रुपिंग कर दें इनकी, तो उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ग्रुप। अब ना सपोज करो, जैसे यहां पर मैंने लिखे हैं, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, बट नोट डाउन करने का एक मेथड है। आप कैसे करोगे, सबसे पहले जो ये है सीएनवी पॉइंट ग्रुप, आप सबसे पहले लिखो सीएनवी पॉइंट ग्रुप इज इक्वल टू सी एन प्लस एन सिग्मा वी, और उसके बाद इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ यहाँ पर, आप उसी तरह से अपनी नोटबुक पे, यहाँ पर भी नोट्स आप बना रहे हो साथ साथ, वहां पर लिख लो, ताकि ना भूलो ना बाद में कि आपने किस तरह से देखा था, साथ साथ आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब देखो, अगर आपके पास सीएनवी पॉइंट ग्रुप का क्या मतलब है, सीएनवी पॉइंट ग्रुप का मतलब है अगर किसी मोलिक्यूल में एक कोई सी एन एक्सिस है, यहाँ पर एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है सी एन की, एन की वैल्यू यहाँ पर। तो अगर उसके पास सी एन कोई है, सिमेट्री एलिमेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री सी एन, और उसके बाद मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर ना दो पॉसिबिलिटी होती है सी एन के बाद, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली तो ये कि इसके पास जीरो सिग्मा वी हो, मतलब एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, या फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, कितने होंगे, एन सिग्मा वी। तो अगर इसके पास सिर्फ, ये सिर्फ सी एन है, इसके पास एक भी सिग्मा वी नहीं है, अगर सिर्फ सी एन ही है, तो पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, सी एन। मतलब अगर वो कुछ भी नहीं है मॉलिक्यूल में, सिर्फ सी एन ही प्रेजेंट है, तो उसको हम पॉइंट ग्रुप को बोल देंगे सी एन। बट अगर सी एन के साथ हमारे पास एन सिग्मा वी प्रेजेंट है, तो अगर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सी एन वी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वोटर की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक सी टू एक्सिस है, यहाँ पर ऐसे सी टू एक्सिस, और उसके बाद क्या है, क्योंकि सी टू एक्सिस है, तो अब या तो एक भी सिग्मा भी प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर प्रेजेंट होंगे तो दो प्रेजेंट होंगे, तो हम सिर्फ एक ही देखेंगे, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अब मुझे देखने की नीड नहीं है, जब मेरे पास मोलिक्यूल में सी टू है, तो मुझे पता है कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे दिख रहा है, तो अगर एक दिख रहा है तो मेरे दो होने हैं मोलिक्यूल में, मुझे अब देखने की भी नीड नहीं है, तो मेरे हो गए टू सिग्मा वी। तो जो ये वाला पॉइंट ग्रुप है, अब यहाँ से हमारी सी टू एक्सिस थी, इसके परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन नहीं है, तो यहाँ पे सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास होता है सी एन प्लस एन सिग्मा बी, उसके केस में हमारा पॉइंट ग्रुप होता है सी एन बी, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, टू, तो ये हो जाएगा सी टू वी। तो जो वोटर का पॉइंट ग्रुप होता है, वो होता है हमारा सी टू वी। वो हमने कैसे देखा है, इसमें सिर्फ सी टू एक्सिस प्रेजेंट है और टू सिग्मा वी प्रेजेंट है, उसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी टू वी। ऐसा ही जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है अमोनिया, तो अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया में क्या होता है, हमने सबसे फर्स्ट वाली क्लास में देखा था, इसमें क्या होती है, अगर मैं यहाँ से पास करूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इसको अगर मैं रोटेट करवाऊंगी, तो जो नाइट्रोजन है वो तो अपनी पोजिशन पर है, जो बाकी तीनों एच है वो रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे मतलब तीन एटम्स रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है सी थ्री, और क्योंकि मैंने यहाँ से पास करी है, ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, आप इसको फिक्स रखोगे, इसको आपको चेंज नहीं करना है, जेड एक्स पर। तो हमारी कौन सी, ये हमारी जेड एक्सिस है यहाँ पर, तो जेड से मैंने पास किया तो सी थ्री जेड। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है एक्सिस, बट खुद को समझाने के लिए, या फिर हमें अच्छे से समझ में आए, हमें पता चले कि हम क्या लिख रहे हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप ऐसे लिख लो, हमें ना फिर क्लियरिटी रहती है। तो यहाँ से क्या हुआ, सी थ्री जेड हो गया। अब अगर हम बात करें सी टू एक्सिस की, तो यहाँ पर सी टू एक्सिस आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि हम सी टू एक्सिस कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से पास करेंगे एक्सिस, तो वो भी सिमेट्रिकल नहीं है, उसके बाद जेड से अगर देखते हैं, तो जेड पे तो सी थ्री ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, सपोज ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस अगर है, तो जो भी सब्सिडरी एक्सिस होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे किसी मॉलिक्यूल में सी थ्री एक्सिस हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अब अगर सब्सिडरी एक्सिस कोई सी टू है, तो मैंने आपको बताया था कि जो सब्सिडरी एक्सिस होती है, जैसे यहाँ पर जो सी टू होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रूल आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में दो एक्सिस प्रेजेंट है, मतलब एक प्रिंसिपल एक्सिस है, एक सब्सिडरी एक्सिस अगर प्रेजेंट है, तो आपको ध्यान रखना है
कि जो सब्सिडियरी एक्सिस है विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हाँ इस वाले तरह आप सी टू कंसिडर नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे तो क्या है सी थ्री ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे सी थ्री है तो सी टू को हमेशा क्या होना है, परपेंडिकुलर ही होना है। और अगर ये जेड हमारा आ गया सी थ्री एक्सिस, तो अगर आप सी टू आप देख भी रहे हो तो सिर्फ कहाँ पर देखेंगे हम, या तो एक्स वाली डायरेक्शन में या फिर वाई वाली डायरेक्शन में, तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे सिर्फ सी थ्री प्रेजेंट है, वो भी अलोंग जेड एक्सिस। अब हम नेक्स्ट जाते हैं अपने किस पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। तो अब क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दू एन को और एच को, यहाँ से अगर मैं कट कर दू तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। इसको मैं आपको समझा भी सकती हूँ कि अगर सपोज करो ये वाला हो गया मेरा बैक साइड वाला बोर्ड, ये प्लेन में है और ये फ्रंट है, ऑरेंज वाला फ्रंट है, ये प्लेन में है लेट्स से और ये बैक साइड पर है। तो अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ से कट करना है इसको, जो ये ऑरेंज वाला पेन जो है मेरा, ये मुझे अगर इसको कट करना है तो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मतलब यहाँ पे सिग्मा वी तो प्रेजेंट है। अब ये सिग्मा वी है सिग्मा एच, ये मैंने कैसे पता लगाया, क्योंकि मेरी सी थ्री एक्सिस यहाँ पर है और मैं जो प्लेन डाल रही हूँ वो यहीं पर डाल रही हूँ, तो जो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी प्लेन पैरेलल होगा उसको हम सिग्मा वी बोलते हैं। अब मैंने एक सिग्मा वी निकाल लिया है तो वही सेम रूल, या तो यहाँ पे क्या होंगे, या तो इसमें जीरो सिग्मा वी होंगे या फिर तीन सिग्मा वी होंगे। तो एक तो मेरे को दे दिया है, तो जो बाकी चेक करने की भी नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगी थ्री सिग्मा वी। तो यहाँ पे जो अब क्या है, उसके बाद अगर ये वाली हमारी एक्सिस है परपेंडिकुलर तो कोई प्लेन है ही नहीं, और अगर प्लेन नहीं तो सिर्फ ये वाली चीज प्रेजेंट है यहाँ पर। अगर आप देखोगे इन्वर्शन सेंटर वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ये दोनों ही प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे सी थ्री है यहाँ पर और क्या है थ्री सिग्मा वी। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट रूप हो गया, सी थ्री वी। इस तरह से हम देखते हैं। तो जो सी एन वी वाला एग्जाम्पल है, सी एन वी में आपके पास दो एग्जाम्पल आते हैं, एक तो हमारा वॉटर वाला केस जिसमें सी टू वी होता है पॉइंट ग्रुप, ऐसे नहीं अमोनिया वाला केस जिसका पॉइंट ग्रुप होता है सी थ्री वी। एक ना बहुत ही अच्छी बात है, जो पॉइंट ग्रुप्स होते हैं उसमें हमें एस एन एक्सेस नहीं देखनी होती, मतलब हम पॉइंट ग्रुप देखते टाइम कभी भी इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं ढूंढते हैं, हम सिर्फ काम करते हैं जिसपे, एक तो हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री, उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड लास्ट में आपका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, एक्सेस ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन सेंटर, बस आपको ये तीन चीजें ही देखनी होती है। बहुत ही अच्छी बात है, हमें इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं देखनी है। तो यहां से हमारा फर्स्ट क्लियर होता है सी एन बी वाला। अब हम जाते हैं सी एन एच वाले पॉइंट ग्रुप पे, जो कि बहुत ही इजी है। सी एन एच पॉइंट ग्रुप कब होगा, सी एन एच का मतलब है कि सी एन एक्सिस तो उसमें है, लेकिन अब क्या है उसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है। और मैं आपको ऑलरेडी एक बात बता चुकी हूं कि जो सिग्मा एच होता है मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सिग्मा वी हो सकते हैं, बट जो सिग्मा एच होता है वो हमेशा ही एक होता है, क्योंकि अगर हमारा यहां से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर हमारे पास एक ही सिचुएशन है, ये वाली यही होता है इसके परपेंडिकुलर। तो हर किसी मॉलिक्यूल में या तो सिग्मा एच होगा ही नहीं, और अगर है तो सिर्फ एक ही होगा। तो अगर इसका एग्जाम्पल आपने सुना होगा H2O2, अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म की बात करूं, ट्रांसफॉर्म, तो वो क्या होती है, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर लगा दिया मैंने एच, यही है। अब इसमें क्या होता है, ये तो मैं आपको पहले भी कवर करवा चुकी हूँ, हमने पहले भी देखा था, इसमें यहाँ पर अगर हम सी टू जेड लगाएंगे तो एक्स ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ से भी सी टू एक्स पर अगर हम लगाएंगे तो एक्स वाले भी नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में। तो अगर मैं यहाँ से लगाऊ इस पे सी टू बाय, अगर यहाँ से मैं लगाती हूँ तो ये दोनों एक्सचेंज कर जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर क्या है सी टू बाय, ये मेरे पास प्रेजेंट है। अब मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, जो तीन चार वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके देख लो, वरना आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगे, ये समझ में ना आए, मैं ऑलरेडी सारी चीजें कवर करवा चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा सी टू वाई प्रेजेंट हो गया, अब तो ये वाली तो मेरी एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से हो गया मेरा सी टू वाई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं इस पे, तो अब मुझे क्या देखना है, अगर मैं यहाँ से कट कर रही हूँ उसको, तो यहाँ पे तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट हाँ एक चीज पॉसिबल है, अगर मेरा प्लेन यहाँ से आए, इसको पूरा कट करता हुआ, सारे एटम्स को कट करता हुआ, तो क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर तो हम क्या बोलते हैं इसको सिग्मा एच। तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट ग्रुप सी टू एच,
जो भी यहाँ पे n की वैल्यू है वही आपको पॉइंट ग्रुप पे लिखनी है। अगर ये C2 है तो यहाँ पे C2 प्लस सिग्मा एच, C2 प्लस सिग्मा एच विल गिव यू C2H पॉइंट ग्रुप, इस तरह से हम देखते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हाँ, जैसे ये वाला एग्जाम्पल आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, जब मैं आपको पढ़ाया था इन्वर्जन सेंटर, तो इन्वर्जन सेंटर के केस में मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ना साथ में इन्वर्जन सेंटर भी है, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। C2 अगर है, सिग्मा एच है और आई है, तो इसका पॉइंट ग्रुप हमेशा सी टू एच ही रहेगा। आपको मैं एक ट्रिक और बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगी, मैंने मान लिया कि ये है मेरा, मैंने यहाँ से सबसे पहले यहाँ से एक्सिस पास करके देखी, जहां से मर्जी आप देखो तो आपकी सी फोर है वो यहां से हमें दिखेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ रोटेशन की, मतलब एन की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। तो अगर आप यहां से कंसीडर कर रहे हो एक्स वाई, मतलब इधर से कंसीडर कर रहे हो सी टू एक्स देने की ट्राई कर रहे हो सपोज यहां से, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो ये वाली प्रेजेंट नहीं होगी। अगर हम यहां से बात करते हैं तो लेफ्ट वाला राइट जाएगा, राइट वाला लेफ्ट, वो भी हमारे इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन नहीं आएगी। अब अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से देखना स्टार्ट करूं, तो क्या होगा, इसको अभी मैं 1 2 3 मार्क कर दूं, 1 2 3 4 इस तरह से अगर मैं मार्क कर दूं, तो अब क्या होगा मेरा यहां से, अगर मैं इसको रोटेट करती हूं, अब देखो अगर मैं इसको फिक्स कर दूं यहां पर, यहां से मेरे पास करवा रहा है सी एच टू सी एच थ्री, तो इसको ऐसे लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट यहां पर इथाइल लिख देती हूं, ऐसे इथाइल डायरेक्टली मैंने इसको हटा के सब जगह पर इथाइल कर दिया, ताकि आपको समझ अच्छे से आए, ये हो गया मेरा इथाइल। अब मैंने आपको ना ये बात जो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पढ़ाई थी, मैंने बताया था कितना भी बड़ा ग्रुप चाहे हो उसको ना हम स्फेरिकल कंसीडर कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सारा ही इथाइल ग्रुप है, तो उसको मैंने स्फीयर मान लिया यहाँ पर ऐसे। तो अब मेरा किस जैसा दिख रहा है, अब मुझे दिख रहा है पीटीसीएल फोर जैसा। तो अब अगर मैं यहां से कंसिडर कर रही हूँ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो जैसे ही मैं रोटेट करूंगी यहां से, तो कितने 1 2 3 4 फोर एटम्स रोटेट होंगे। अगर फोर एटम्स रोटेट होंगे तो मेरी एक्सिस कौन सी जाएगी, सी फोर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहां से हमारा क्लियर हो गया। अब ना आप मुझे एक बात बोल सकते हो कि मैम यहां से अगर मैं देख, मतलब यहां से अगर मैं देखू तो सी टू एक्सिस भी तो है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि अगर आप सब्सिडरी एक्सिस की बात कर रहे हो तो सब्सिडरी एक्सिस को परपेंडिकुलर होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करते हो, यहीं से आप सी टू दिखा रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम अगर मैं यहां से कंसिडर करके सी टू दिखा दूं तो वो तो इसके परपेंडिकुलर ही है, तो फिर आप इसे भूलो मत कि ये एक्चुअल में ऐसे है, एक्चुअल में ऐसे है मॉलिक्यूल, ये है इसकी शेप। तो अगर आप यहां से लगाओगे सी टू रोटेट करोगे तो ये वाला मॉलिक्यूल मेरा नीचे, ये वाला बोन नीचे दिखेगा मुझे, ये वाला बोन मुझे ऐसे दिखेगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे दिखेगा मुझे रोटेट करने के बाद, ये इस तरह से दिखेगा अगर आप इस पे सी टू लगा देते हो तो। अब मुझे क्या करना है, एटम टू एटम रिप्लेस करना है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो ये वाला बोन मुझे यहां पर दिखेगा, जो कि इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन नहीं है। तो इसमें क्या है, सिर्फ सी फोर प्रेजेंट है और उसके बाद यहां से सी फोर है, तो अगर मैं यहां से कट कर दूं बोर्ड की साइड से ऐसे, तो वो क्या है सिग्मा एच इसके परपेंडिकुलर, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा सी फोर एच, कितना ठीक है। अब ना बहुत ध्यान से एक ट्रिक सुनो, जो सी एन एच होता है पॉइंट ग्रुप, इसमें अगर एन की वैल्यू इवन है, सी एन एच पॉइंट ग्रुप में अगर एन की वैल्यू इवन है, इवन मतलब 2 4 6 8 ये वाले ऐसे, अगर इवन है तो उसमें हमेशा ही इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होगा मोलिक्यूल के अंदर। सी एन एच पॉइंट ग्रुप में अगर एन की वैल्यू इवन है तो मोलिक्यूल में हमेशा ही इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या था, सी टू एच टू क्या है इवन वैल्यू, तो यहां पर इन्वर्जन सेंटर होगा ही होगा, तो हमने यहां पर देख भी लिया है ये क्या है इन्वर्जन सेंटर। ऐसे ही यहां पर क्या है हमारा सी फोर एच, सी फोर एच पॉइंट ग्रुप, फोर भी क्या है इवन है, तो यहां पर भी क्या है सेंटर ऑफ इन्वर्जन यहां से, ठीक है। तो जैसे भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें एन की वैल्यू इवन होगी, वहां पर फॉर श्योर होगा ही होगा सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो हमने ये वाला कवर कर लिया और ये वाला कवर कर लिया। अब मैं बताती हूँ सी एन, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या होता है उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही हो, मतलब सिर्फ ए हो ऐसे ही प्रेजेंट हो, बाकी कोई भी ऐसा सिमेट्री एलिमेंट ना हो, तो यस ऐसा भी पॉसिबल है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये तो स्टार मार्क करके लिख दो उसको H3BO3। अब हम ये वाला कवर करते हैं, जो H3BO3 है वो 2018 में BARC के ऑनलाइन एग्जाम में भी पूछा गया था इसका पॉइंट ग्रुप। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन होती है,
अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं, H3BO3 को अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो आपको क्या लगेगा, आप इसको कंसीडर करोगे इक्विवेलेंट टू BF3, ऐसे ही देखोगे। अगर ऐसे देखोगे तो क्या हो जाएगा पता है आपको, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको पता है यहाँ पे C3 एक्सिस है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। C3 एक्सिस हमारी यहाँ से है Y से, C3Y है, और उसके बाद यहाँ से हमें C2Z भी दिख, मतलब C2 एक्सिस भी दिख रही है, और अगर एक C2 दिख रही है मतलब कितनी होंगी 3C2। ऐसे ही अगर ये हमारी C3 एक्सिस है तो यहां से अगर इसको कट करेंगे तो क्या है σv, अगर एक σv प्रेजेंट है तो 3σv भी प्रेजेंट होंगे, और अगर हमारी ये वाली एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस तो यहां से कट करता हुआ भी एक प्लेन आएगा तो इसमें σh भी प्रेजेंट है। तो जब ऐसा केस हो, मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा C2 होती है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा C2 प्रेजेंट है तो उस वाले केस में क्या होता है, जो पॉइंट ग्रुप होता है वो डी से स्टार्ट होता है। मतलब अगर एक से ज्यादा इफ मोर देन वन C2 प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, तो जो ये वाली जो तीन है पॉइंट ग्रुप हमारे पास ये होते हैं, मतलब पॉइंट ग्रुप जो होगा वो हमेशा डी से स्टार्ट होगा, जैसे DNA, DND, या फिर DN, सी वाला फिट नहीं रहता। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा C2 आ जाए तो वहां पर पॉइंट ग्रुप डी से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या है आपका C3 3C2, अगर आप इसको देखोगे तो उसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D3H। इसको देखो ध्यान से, DNH जो DNH वाला पॉइंट ग्रुप है इसमें CN है, NC2 है, σv है और σh है। एग्जाम्पल है इसका BF3, तो जो इसका पॉइंट ग्रुप है वो क्या हो जाएगा BF3। अगर आप H3BO3 को, बोरिक एसिड को स्ट्रक्चर अगर इस तरह से लिखोगे तो आप क्या करोगे, OH को स्केल मानोगे इस तरह से, है ना, और फिर क्या करोगे बिल्कुल सेम टू सेम यही निकाल दोगे, उसका पॉइंट ग्रुप दोगे D3H, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह का नहीं होता है पॉइंट ग्रुप H3BO3 का, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं होता है। तो मैं मान लू कि मैंने ये वाला कवर कर लिया है D3H, अभी हमें देखना है कि H3BO3 का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में ऐसा होता है, और उसका रीजन क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ पे लोन पेयर्स ऑक्सीजन के पास, ऐसे ही ये ऑक्सीजन और यहाँ पर एच, यहाँ पर आएंगे लोन पेयर्स, ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पर एच। हमें पता है जो वॉटर की शेप होती है sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन एटम, सॉरी sp3, यहाँ पे कैसी होती है, बैंड शेप होती है, इस तरह का होता है। तो यहाँ पर मैंने बैंड जो शेप है वो शो करी है यहाँ पर, तो ये लोन पेयर्स और यहाँ पर भी लोन पेयर्स। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है H3BO3 का वो इस तरह का होता है। तो आप OH को साथ में कंसिडर करके D3H पॉइंट ग्रुप नहीं लिख सकते हो इन केस ऑफ H3BO3। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है, अब देखो ध्यान से, अब आप क्या कर सकते हो, अब ना आप ये तो कर सकते हो कि जब ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको हम स्फीयर मानेंगे, जैसे OH है साथ में है, जैसे मैंने आपको इस वाले एग्जांपल में क्या किया था, इथाइल को एक एटम कंसिडर करवा दिया था। तो ऐसे ही आप ये प्रिंसिपल एक्सिस निकालने के लिए, हाँ ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरे ग्रुप को एक स्फीयर कंसिडर करते हो तो सिर्फ उसी केस में करो जब आपको प्रिंसिपल एक्सिस निकालनी हो, बाकी किसी भी केस में नहीं करना है, वरना हम जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है उससे बिल्कुल एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन सा मॉलिक्यूल था और हमने उसको क्या बना दिया है। तो अगर आपको निकालनी है प्रिंसिपल एक्सिस तो आप इस OH को साथ में लिख कर और यहाँ पे ऐसे स्फीयर कंसिडर करके निकाल सकते हो कि इसमें क्या है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है। और आप ये स्फीयर कंसिडर कब करोगे, जब सारे ग्रुप सेम होंगे। इस तरह से आपको देखना है, अगर मैं यहाँ पे लगा दू CN, इधर F और इधर लगा दू लेट्स से BR, अगर ऐसे करके, और अब आपने अगर इसको ऐसे स्फीयर कंसीडर कर लिया और यहां से लगाई C3 एक्सिस, तो एक्चुअली क्या होगा, C3 का मतलब क्या है, ये तीनों रोटेट कर रहे हैं, और रोटेट करेंगे अगर तो BR जाएगा CL के प्लेस पर, CL आएगा F के प्लेस पर, और F जाएगा BR की जगह पर, ऐसे ही होगा। तो हमारे पास एक्चुअल में क्या बन जाएगा, रोटेशन के बाद ये बन जाएगा। अब क्या ये और ये सेम है, क्या इक्विवेलेंट है, नहीं है, हमें CL के प्लेस पर CL ही चाहिए रोटेशन के बाद। तो इस वाले केस में C3 एक्सिस नहीं है, ओके। अगर मैंने अभी लिख ही दिया, देख लेते इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे C3 एक्सिस नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ C3 तो नहीं है, अब हम C2 देख लेते हैं एक बारी। अगर मैं यहाँ से पास करूं इसको और रोटेट करवाऊं वैसे, तो F जाएगा CL के प्लेस पर, CL जाएगा F के प्लेस पर, तो भी इक्विवेलेंट नहीं आएगी इसमें, मतलब मेरी C2 एक्सिस भी नहीं है। तो C2 में मतलब एक्सिस तो हमें कोई भी नहीं दिख रही, एक्सिस ऑफ सिमेट्री C3 भी नहीं है, C2 भी नहीं है, और क्या देख सकते हैं। अब जाते हैं हम
प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। अगर मैं यहां से इसको कट करती हूँ तो ये आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, बी आर एफ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ऐसे भी प्रेजेंट नहीं है, ऐसे भी प्रेजेंट नहीं है। एक चीज की पॉसिबिलिटी है जो कि आपको बहुत ध्यान से देखनी है एग्जाम में, क्योंकि ये क्या सारे प्लेनर है, सारे ही एटम्स क्या है एक प्लेन में है, तो क्या होगा अगर मैं इसको इस तरह से कट करूं कि मेरा प्लेन सब सारे एटम्स के मतलब बीच से जाए पास करता हुआ, तो क्या होगा ये कट जाएगा ऐसे। अगर ये ऐसे है सपोज ऐसे सब कुछ प्लेन में, तो क्या होगा अगर मैं यहां से ऐसे प्लेन पास कर दूं तो क्या करेगा सारे एटम्स को बीच से कट कर जाएगा वो, तो उस सारे केस में क्या होता है सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, सिर्फ सिग्मा है। तो अगर सिर्फ सिग्मा हो तो इसका पॉइंट ब्लू पता है क्या होता है, ये सी एस, तो ये होता है हमारा। इसमें क्या है कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है और कोई भी आपको सिमेट्री एलिमेंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक है क्योंकि सारे प्लेनर है, तो अगर हम यहां से इसको कट करेंगे तो वो कट हो जाएगा, और कट होने की वजह से क्या है इसमें सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है सिर्फ ई। अब ई मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया है, बट ई कुछ नहीं होता, जैसे सपोज करो जैसे सपोज करते हैं यही मॉलिक्यूल है, या फिर अपना फेवरेट वाला कंसीडर करते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ये है जो ई होता है वो इक्विवेलेंट होता है जिसके सी वन के। सी वन का मतलब क्या है, एन की वैल्यू हम निकालते हैं 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। तो अगर मुझे एन की वैल्यू वन चाहिए तो मेरा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब अगर इस मॉलिक्यूल को मैं 360 डिग्री एंगल से रोटेट कर दूं तो मेरे पास जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या होगा सी वन, या फिर मैं उसको क्या बोलती हूँ ई आइडेंटिटी। अब देखो 360 रोटेट करने का मतलब क्या है, 360 रोटेट करने का मतलब है सपोज ये लाइन है, ये लाइन है, मैंने ऐसे देखते हैं ये एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस, मुझे इसको 360 रोटेट करना है, तो देखो कैसे होगा, ये हो गया 90, ये हो गया 180, 270, 360 पे क्या हुआ जैसा मोली जैसे ये पहले दिख रहा था मुझे 360 पे वापस वैसे ही दिख रहा है। तो 360 का मतलब होता है जैसे मॉलिक्यूल वैसे है, कोई रोटेशन के बाद क्या होगा जैसे पहले था वैसे का वैसे ही रहेगा। तो सीवन का मतलब या ई का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ई तो सारे मॉलिक्यूल्स में ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि कैसा भी मॉलिक्यूल है जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है अगर आप उसको पूरा रोटेट करा के वापस उसी पोजिशन पर ले जाओगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा उसमें, और अगर कोई भी चेंज नहीं आएगा तो उसको हम ई बोलते हैं। तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स में क्या होता है हमारे पास ई प्रेजेंट होती है, तो इन सब में भी ई है, ई सब में प्रेजेंट होती है। तो जो सी एस वाला है वहां पर अगर ई जो कि ऑब्वियस है सब में होती है, अगर सिर्फ आपके पास सिग्मा है तो उसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी एस, इसका मतलब क्या होता है सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है, तो आपका ये वाला पॉइंट ग्रुप कवर हो गया। अब हम कर क्या रहे थे H3BO3, इस तरह से हम देख रहे थे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना होता है तो आप दो ग्रुप्स को एक मतलब कंसीडर कर सकते हो, अगर सेम अटैच है तो इनको अटैच करके आप निकाल सकते हो कि इसमें क्या है। बेसिकली अगर मैं यहां से अप्लाई करूं एक्सिस तो क्या होगी, जैसे मैं इसको रोटेट करूंगी तो ये वाला ओ इसकी प्लेस पे जाएगा, एच इसकी प्लेस पे जाएगा, ऐसे करके। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको स्पीयर कंसिडर कर लो, फिर आपको ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा और फिर आपको सी3 एक्सिस दिख जाएगी। तो इसमें क्या है सी3 एक्सिस। अब हम एटम सिर्फ स्फेरिकल एटम कंसीडर करेंगे सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए, बाकी किसी भी केस में नहीं करना है। तो अब मुझे क्या देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं यहां से देखूं तो इसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब अगर मैं यहां से कट करूं तो क्या होगा, ये सच के लिए अगर बैच को यही नहीं तो ये वाला तो नहीं है, मतलब सिग्मा भी तो प्रेजेंट नहीं है। बस मैं ये देख सकती हूँ कि इसमें अगर मेरा यहाँ से C3 है तो अगर मैं यहाँ से कट कर दूं तो सबके थ्रू पास कर जाएगा, तो मतलब इसमें क्या है सिग्मा H, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा C3H। तो ये किस कैटेगरी का मॉलिक्यूल है, इस वाली कैटेगरी का। मैंने एग्जाम्पल गलत लिखा है या फिर यहाँ पे नहीं आई गई, H3BO3 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है C3H। ओके इतना समझ में आया। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या होता है, H3PO4 अगर हम कंसीडर करें H3PO4, तो आप इस बात को ध्यान से लिखना जो H3PO3 होता है उसका पॉइंट ग्रुप होता है C3H, क्योंकि वहां के सारे एटम्स एक प्लेन में है तो वहां पे सिग्मा एच भी प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं H3PO4 की, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इधर P, इधर ये, इधर OH,
इधर OH और यहाँ पर OH, ऐसे होता है स्ट्रक्चर। अगर मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात कर दूं, ये भी ऐसे ही होता है, दो लोन पेयर्स ऐसे ही यहाँ पर H ऐसे ये होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, अगर मैं यहां से पास करूं, आपको दिखने में चाहे ये कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट आपको करना ये होता है कि जितना भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, आप ना कोई छोटा मॉलिक्यूल जो आपको पता हो उससे कंपेयर कर लो। देखो जैसे मैं क्या करूंगी, मुझे जो दिख रहा है, मुझे तीन सेम दिख रहे हैं और इससे मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मैं यहां से एक्सेस पास करती हूँ तो इसको रिप्लेस पर ही रहना है। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर दू अमोनिया के साथ, ऐसे यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास लोन पेयर्स, ऐसे दिखा देती हूँ, तो ये बिल्कुल सिमिलर तो है लोन पेयर्स, मतलब अगर ऐसा अगर हम देख रहे हैं तो बिल्कुल सिमिलर ही तो है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या होता है हमारा सी थ्री एक्सिस, तो यहाँ पर भी क्या है सी थ्री एक्सिस, क्योंकि अगर मैं यहाँ से पास कर रही हूँ इसको और अगर रोटेट करवाऊंगी तो ये जाएगा इसके प्लेस पर, ये जाएगा इसके प्लेस पर, तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है सी थ्री एक्सिस है अलोंग जेड, सॉरी सी थ्री है अलोंग जेड एक्सिस, तो यहां से समझ में आ गया ये तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ इसको कंसिडर कर सकती हूँ एज अ स्फीयर ओनली इफ आई एम कंसिडरिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर तो मैंने क्या किया, ओएच को साथ में कंसिडर करके इसको बिल्कुल अमोनिया जैसे मान लिया और ये वाले निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है। अब अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास करती हूँ तो क्या होगा, ये ओ तो चलो ठीक है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे साथ साथ, बट ये ऊपर है और ये नीचे की साइड है, तो यहाँ पे क्या है सिग्मा भी प्रेजेंट इसमें नहीं है। अगर मुझे बात करनी है, अगर मैं यहाँ से मेरा ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके परपेंडिकुलर में कोई प्लेन डालती हूँ तो क्या होगा, वो भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है सिग्मा एच भी नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमें मिला नहीं। आई से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है तो सी थ्री, तो हमें क्या करना है, क्योंकि और कुछ भी नहीं है इसमें सिमेट्री एलिमेंट, तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी थ्री। तो यही वाली कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल आप लिखो एच थ्री पीओ फोर, ये है इसका एग्जाम्पल। तो सी थ्री एक्सेस इसका पॉइंट ग्रुप क्या है सी थ्री, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सी थ्री ही प्रेजेंट है और कोई एक्सेस प्रेजेंट, मतलब और कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी थ्री। अब इतना ठीक है, बाकी जो बचते हैं दो तीन ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी, और उसके बाद हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जैसे टेट्राहेड्रल में किस तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या फिर अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो वहां पर कैसे कैसे एग्जाम्पल्स पॉसिबल है, ऐसे ही जितने भी ऑक्टाहेड्रल वो सब होता है वो सब मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो, और समझ आनी भी चाहिए, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको शुरू से लेकर चार वीडियो आपने देखी होंगी तो आपको भी अच्छे समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपको समझ नहीं आई है, कुछ कुछ डाउट्स रह गए हैं, तो प्लीज ये बारी वीडियोस वापस से देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।